बालूशाही बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, ये ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स है, और 60 ग्राम्स दही, फ्रेश दही, ये खट्टी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा मीठी भी ना हो, और हाफ बोल घी, शुद्ध देसी घी, और ये 200 ग्राम शुगर, मैंने पाउडर शुगर यूज़ किया है पर आप नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हो, और उसके साथ हमें चाहिए 1 पिंच बेकिंग पाउडर, 1 पिंच सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट नॉर्मल, और ये इलायची पाउडर। अब हम एक बाउल में घी डालेंगे जो हमने लिया था, अब इसको फेटेंगे। इसको तब तक हमें फेटना है जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए या ये अपना कलर चेंज ना कर दे। आपको दिखेगा थोड़ी देर में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये ट्रांसपेरेंट दिखने लगेगा। इसको फेटते रहिए जब तक आपको कलर चेंज होते हुए ना दिखे। यहाँ देख सकते हो आप कि इसने कलर चेंज कर दिया और ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे दही, जो हमने 60 ग्राम्स दही लिया था वो हम डालेंगे। अब इसे घी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। इसे तब तक अच्छे से फेटना है जब तक दही घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए और एक स्मूथ बैटर ना रेडी हो जाए। इसे जितना फास्ट हो उतना फास्ट चलाएं और जब एक स्मूथ बैटर रेडी हो जाएगा तो आपको देखेगा कि कलर चेंज हो चुका है, घी अच्छे से मिक्स हो जाता है दही में और एक क्रीमी टेक्सचर फॉर्म होता है। इसको मिक्स करने में 5 से 6 मिनट लगते हैं। ये देखिए स्मूथ पेस्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए दोनों मिक्स हो चुका है, कर्ड और घी अच्छे से, और एक क्रीमी टेक्सचर रेडी है हमारे लिए। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, जो 2 कप हमने मैदा लिया था वो मैदा डाल देंगे। ये मैदा मैंने पहले से ही स्ट्रेन करके लिया है तो आप मैदा स्ट्रेन कर लेना। अब इसमें डालेंगे 1 पिंच बेकिंग पाउडर और 1 पिंच कॉमन सॉल्ट, इसे भी मिक्स कर देंगे अच्छे से उस बैटर के साथ। अब इसे हम अपने हाथों से गूंदेंगे और ज़रूरी नहीं है कि इसका जो डो रेडी हो वो बहुत सॉफ्ट हो, कड़क ही होना चाहिए, और कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें टेक्सचर प्लेन होना चाहिए हमारे आटे का, ऐसा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमें बस इसे गूंद लेना है और एक डो बना लेना है, ये मैटर नहीं करता कि कैसा दिखता है, स्मूथ है या नहीं है, हमें बस इसे मिक्स करके एक डो बना लेना है और इसे 15 मिनट हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब एक पैन में लेंगे हम 1 कप पानी। चाशनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ फ्रेंड्स, और ये डाला मैंने शक्कर 200 ग्राम्स। अब इसे हम तब तक मिलाएंगे जब तक शुगर डिसअपियर ना हो जाए पानी में और पानी बॉयल ना करने लगे। ये हम पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे और इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक ऐसे इसमें बबल्स ना आने लगे। इस स्टेज पे हम डालेंगे इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, एक फ्रेग्रेंस आता है अच्छा, बस और कुछ नहीं, और फिर उसे हम रख देंगे लो फ्लेम पे दूसरे गैस पे। अब मैं इस डो में तैयारी कर रही हूँ, बॉल्स बना रही हूँ, ऐसे बॉल्स बना लें आप और बीच से होल कर दें, बस ऐसे बॉल्स बनाएं, रफ़ बॉल्स चलेंगे, और बीच से बस एक अपनी उंगलियों से हल्का सा प्रेस करके होल करें कुछ ऐसे। इसमें हमें ज़रूरत नहीं है ये देखने की कि कैसा टेक्सचर फॉर्म हो रहा है, बड़ा है छोटा है, आप कोशिश करें इक्वल बॉल्स काटें और फिर उसमें आप बस अपने हल्के हाथों से उसे बस प्रेस करें और छोटा सा होल बनाएं बस। तो ये देखिए, ये मैंने सारे बालूशाही के ये बॉल्स रेडी कर लिए हैं।
अब इसमें हम डालेंगे घी। घी हमें जितना फ्राई करने के लिए चाहिए उतना डालेंगे। हम नॉर्मल कुकिंग ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो तो, पर मिठाइयाँ तो घी में ही अच्छी लगती है ना। एनीवेज मैंने घी ही ऐड किया है। तो ये देखिए, अब मैं घी के मेल्ट होने का वेट करूँगी। बहुत सारा घी डाला है ना। अब हम चाशनी चेक कर लेते हैं जब तक हमारी घी गर्म होती है। मैं चाशनी को चेक कर रही हूँ। इसके चाशनी के लिए कोई बहुत हाई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दो उंगलियों से टच करें, अगर आपको एक स्टिकी सा फील हो रहा है, हमारी चाशनी रेडी है। हमें इसमें दो तार वाली कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम उतना पकाएंगे तो हमारी चाशनी जो है वो क्रिस्टलाइज होने लगेगी। अगर आपकी चाशनी क्रिस्टलाइज हो रही है ज़्यादा पकने की वजह से, तो आप लेमन जूस का भी यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी चाशनी वापस पिघल जाएगी और क्रिस्टलाइज नहीं होगी, पर वो ऑप्शनल है अगर आपने अपनी चाशनी को ज़्यादा पका लिया है तो। और यहाँ मैं तेल को ज़्यादा गर्म नहीं रख रही हूँ, मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखा था। और जैसे ही हमारी तेल हल्की सी गर्म हुई, मैंने उसमें ये बॉल्स डालने शुरू कर दिए हैं। और हाँ गाइज, आप जब भी इसमें बॉल्स डालो, आप एक बड़े बड़े बर्तन का ही यूज़ करना, क्योंकि ये बॉल्स जो हैं वो बड़े होते हैं, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, तो ये बॉल्स जो हैं वो बड़े होते हैं। तो एक साथ बहुत सारा ना डालें वरना वो टूट जाएंगे। तो जब वो इस कलर के हो गए, तो मैंने थोड़ी देर 5 मिनट के लिए उनको ठंडा होने दिया, और फिर इन सबको ये शुगर सिरप में डाल रही हूँ मैं। दोनों साइड पलट कर मैं शुगर सिरप में डालूंगी, ताकि दोनों साइड ही हमारे शुगर का कोटिंग लग जाए। और ज़्यादा देर इसको शुगर सिरप में हम नहीं छोड़ सकते, वरना वो अंदर से नरम हो जाएगी। तो 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे और हमारा बालूशाही तैयार है।